लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अर्पित, मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ, फिर भी तुम? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा आद्या, आई लव यू सो मच। प्यार? अर्पित आद्या जैसी लड़की से प्यार करता है? गॉड नोज अब आद्या के साथ क्या होने वाला है। अरे ये देखो, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते पढ़ाते हमें एक महीना हो गया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सच में। पर इनकी बस इतने पैसों से क्या होगा? हम थोड़ी ना हमारे लिए कमा रहे हैं, हम तो तेरे पढ़ाई के लिए साथ मिलके ट्यूशन दे रहे हैं सुनैना। हाँ सुनैना, ये पैसे तेरे पास रख। पर हमें तो घर से पैसे मिल जाते हैं, इन पैसों की जरूरत तुझे है, तू अपने पास रखना, पढ़ाई में खर्चा होगा। थैंक यू सो मच, तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और कॉलेज में तीनों दोस्तों का फर्स्ट ईयर भी खत्म हो गया। बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हो, क्या बात है? सोच रहा हूँ इस वीकेंड को रिंकी से मिलाता हूँ, बहुत दिन हो गए, बेचारी अकेली वहाँ पे घर को बहुत मिस करती होगी, है ना? वो और मिस बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं छुट्टी में भी वहाँ पे कैसे अकेली रह लेती है। इसीलिए सोच रहा हूँ उससे मिलके हालचाल पता कर लूं, क्या पता वहाँ पे किसी के साथ प्यार वार का चक्कर ना शुरू हो गया हो। हाँ क्या पता, आजकल के बच्चे तो यही सब पहले करते हैं। वैसे आप मुंबई जाएंगे तो रोहन के फ्लैट में रुकेंगे ना? हाँ और कहाँ, अब तक जितनी भी बार गया हूँ उसी के पास ही तो रहता हूँ, और कहीं रहने ही नहीं देता वो, बार बार फोन करके परेशान कर देता है। अरे हाँ भाई किशोर, हम आद्या की शादी तुम्हारे बेटे अनंत के साथ ही करवाएंगे, पहले आद्या की पढ़ाई तो खत्म हो जाने दो। तुम पे मुझे पूरा भरोसा है, हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में जरूर बदल के रखेंगे। हाँ एकदम सही कहा तूने भाई। बाय अर्पित, टेक केयर। टेक केयर डार्लिंग, आई लव यू। आई लव यू टू। आद्या तू पागल हो गई है, अर्पित बस एक पैसे वाले बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और कुछ नहीं, और तो उसके साथ रात में घूम रही है। देख सुनैना, मुझे पता है अर्पित तेरा दोस्त है, पर मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, हाँ ट्रस्ट मी। अच्छा अब तू मुझे उसका सर्टिफिकेट देगी, एक दोस्त होने के नाते अच्छे से समझा रही हूँ, उससे दूर हो जा आद्या, नहीं तो बहुत पछताएगी। ओह कम ऑन सुनैना, मुझे पूरा यकीन है कि अर्पित और मेरे बीच का प्यार सच है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहेगा। प्यार? तुम उसे प्यार भी करने लगी हो? पर आद्या मैं बहुत टायर्ड हूँ सुनैना, प्लीज इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। पिंकी, पिंकी, अरे कहाँ हो? हाँ हाँ क्या बात है, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं मुंबई निकल रहा हूँ, रिंकी के लिए कुछ देना है तो जल्दी से पैक कर दो। अरे मैं तो कब का पैक कर चुकी हूँ, अभी लाई। रिंकी के जीजू अपने घर से एयरपोर्ट निकले मुंबई जाने के लिए, और उनका पीछा करते हुए उनकी पत्नी पिंकी भी एयरपोर्ट पहुँच गई। सिक्स
सेम फ्लाइट में तो ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए अगली फ्लाइट पकड़ के सीधा रिंकी के एड्रेस में पहुंच जाऊंगी। प्रमोद तो रिंकी से मिलने जरूर जाएंगे, फिर उसके बाद इनका पीछा करके ये पता करूंगी कि आखिर किस रोहन के घर में रात बिताते हैं। अर्पित, हम शादी कब करेंगे? शादी? अभी से शादी की क्यों सोच रही हो? पहले अपनी पढ़ाई तो खत्म करो, फिर एक अच्छी सी नौकरी करना, फिर शादी के बारे में हम बात करेंगे, ओके? तब तक तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं तुमसे जुदा होकर जी नहीं पाऊंगा आद्या, तुम फिर से कभी भी ये बात मत करना। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। जीजू, आप? रिंकी, कल का प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर हम कल क्या सबमिट करेंगे? पता नहीं यार, मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। आज रात भर जग के किसी भी तरह काम खत्म कर लेते हैं। हाँ, सही कहा तूने। इस बार जाने दो, कॉलेज में बता देना तबीयत खराब थी, नेक्स्ट टाइम कर लेना। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, एक दोस्त के घर जाना है। नहीं जीजू, मैं नहीं जाऊंगी। इस बार रिंकी अपने जीजू के साथ ना जाने को ठान ली थी और वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना देकर मना करती रही, पर उसके जीजू भी कहाँ छोड़ने वाले थे। वो शुरू में तो उसे प्यार से मनाए, फिर जब गुस्सा होकर साथ चलने बोले तब रिंकी बहुत डर गई और चुपचाप तैयार होकर उनके साथ निकली। अच्छा, अब रिंकी को कहीं घुमाने लेके गए हैं, फिर रात को किसी और से मिलने जाएंगे। मुझे अभी इनके पीछे जाना चाहिए। उनका पीछा करते करते पिंकी भी एक होटल के बाहर पहुंच गई। होटल? पिंकी के पति होटल में एक रूम बुक करके रिंकी को साथ लेकर वहां पे चले गए और ये सब पिंकी अपने आंखों के सामने देख रही थी। एक्सक्यूज मी? यस मैम। ये जो अभी अभी यहाँ पे रूम लिए हैं, उनका रूम नंबर क्या है? सॉरी मैम, हम किसी भी गेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। होटल के रिसेप्शनिस्ट कोई भी हेल्प करने मना कर दिया, पर पिंकी तब तक समझ चुकी थी कि उसके पति और रिंकी दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो गुस्से से आग बबूला होकर सीधा रिंकी के रूम में वापस गई। रिंकी के रूम पे बैठकर उन दोनों का इंतजार करूंगी, देखती हूँ सुबह कितने बजे पहुंचते हैं। मेरी अपनी बहन होकर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे ही पति को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। क्या बात है दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मेरी अपनी बहन रिंकी मुझे धोखा दे रही है, मेरे पति को मुझसे छीन रही है। आने दो उसे, जान से मार डालूंगी। मेरे ही पैसों से पढ़ के मुझसे चालाकी, हाँ? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।